नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बंपर बहाली, सीएम नीतीश को ज्वाइंट पेन इलाज के लिए पहुंचे मेदांता। बिहार में हत्याओं को लेकर फायर हुए तेजस्वी यादव, विभाग संभालने के बाद पहली बार आज पटना पहुंचे गिरिराज सिंह। शंकर सिंह ने LJPR से दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ेंगे रुपौली उपचुनाव। PK बोले, मोदी के पैर छूकर नीतीश ने बिहार की इज्जत बेची। पटना में दिनकर गुलंबर पर नीट विद्यार्थियों का हंगामा। बिहार में नदी घाटों से बालू खनन पर 4 महीने तक लगी रोक। खाते में आएंगे 1 लाख, अफवाह पर अकाउंट खुलवाने पहुंची महिलाएं। पटना के एक्सिस बैंक में 18 लाख की लूट। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार जल्द ही बंपर बहाली निकालने वाली है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 4,72,976 पद रिक्त हैं। इन पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी पदों को भर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में निकाली जाएगी। शनिवार को मिली सूचना के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। शनिवार की सुबह हाथ में दर्द महसूस कर रहे थे। इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे। ऑर्थो डिपार्टमेंट में जांच की गई। अस्पताल में सीएम करीब 1 घंटे तक रुके। डॉक्टरों ने उन्हें हाथ की एक्सरसाइज करने की सलाह दी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हाथ के मूवमेंट वाले एक्सरसाइज पर जोर देने को कहा। फिजिकल वर्क पर ज्यादा फोकस करने को कहा गया है। बिहार में इन दिनों हुई हत्याओं और आपराधिक वारदातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की NDA सरकार में सरकारी अपराधियों को सिर्फ एक ही डर रहता है कि सत्ता संरक्षण में वारदात करते समय कहीं उनके पिस्तौल और बंदूक की गोलियां ना खत्म हो जाए। तेजस्वी ने हाल ही में विभिन्न जिलों में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गोली मारकर की गई हत्या की घटनाएं हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को पहली बार पटना पहुंचे। यहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पटना पहुंचते ही गिरिराज सिंह ने गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी। बैठक में केंद्रीय सचिव के साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद है। गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए 8 लोगों को मंत्री बनाया है। बिहार की जनता ने उन्हें व्हील चेयर पर बिठा दिया, जिसे झुंझुना दिखा दिया। पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट से विधायक रहे शंकर सिंह ने शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने रुपौली से निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे जनता के आदेश पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे 20 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। शंकर सिंह ने अपने त्यागपत्र में पार्टी नेतृत्व के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पार्टी ने उनके साथ उचित न्याय नहीं किया। साल 2025 के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे, जिससे 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री बनने के लिए BJP का समर्थन मिलता रहे। ये बातें जनसुराज के संरक्षक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कही है। 7 जून को NDA के नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक हुई थी। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आए थे। इस वाक्य पर लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर की। प्रशांत किशोर ने इसे बिहार का अपमान बताया। पटना में दिनकर गुलंबर के पास शनिवार को नीट के परीक्षार्थियों और 10+2 के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने भी सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला भी जलाया। इस दौरान दिनकर गुलंबर पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को खदेड़ कर हटाया, तब जाकर हालात सामान्य हो सके। छात्रों ने नीट परीक्षा को कैंसिल करने की मांग की। बिहार में हर वर्ष मानसून के दौरान बालू खनन पर रोक लगा दी जाती है। उसी के अनुसार इस वर्ष भी 15 जून से विभिन्न नदी घाटों पर लाल एवं उजले बालू का खनन बंद हो गया है। अब बालू घाटों में बंदोबस्तधारी किसी प्रकार का खनन नहीं करेंगे। उन्हें पूर्व से स्टॉक किए गए बालू को ही बेचना होगा। खनन विभाग के निदेशक ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से पूरे मानसून काल यानी 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगा दी है, ताकि नदियों में रहने वाले जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयुक्त मौसम में खनन की इस प्रक्रिया से कोई नुकसान ना हो। बिहार के कैमूर में शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाएं खाता खुलवाने
CSP ग्राहक सेवा केंद्र सेंटर पहुंच गए। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो महिलाओं ने कहा कि उन्हें बताया गया कि अकाउंट में 1,00,000 रुपए दिए जा रहे, इसीलिए हम लोग भी अकाउंट खुलवाने पहुंचे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान सभाओं में कहा था कि भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़पति लखपति बनाएंगे, हर परिवार के एक महिला चुनी जाएंगी। बिहार में बैंक डकैती की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी पटना के बिहटा से एक्सिस बैंक 18,00,000 रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। शनिवार को दिनदहाड़े हथियारबंद 4 अपराधी बैंक में घुसे, उन्होंने बंदूक दिखाकर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद तिजोरी एवं अन्य जगहों पर रखे करीब 18,00,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस CCTV फुटेज निकाल कर लुटेरों का सुरंग ढूंढने में लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।